तो वुड की तो लग तो गई थी पूरे पहाड़ को तराश के। अपनी जो है क्लच वायर हो गई टूट। हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कारगिल। आज है डे फोर्थ, डे फिफ्थ। आज है डे फिफ्थ और हम लोग हैं कारगिल में। और आज जैसे कि आपको पता है कि हम लोग, मनोज की बाइक ख़राब हो गई थी तो इसलिए सोनमर्ग से हम लोग कारगिल आए, कारगिल में दिखाने के लिए। तो कल पूरा दिन निकल गया बाइक दिखाने के लिए, बट वो सही नहीं हुई। आज सुबह वेल्डिंग वाला है तो वेल्डिंग वगैरह करवा रहे हैं, तो शायद सही हो जाए। तो अभी सुबह के बज रहे 9:30, करीब 9:30 हो रहे हैं। और अभी हम रूम में ही थे, अभी रूम में सब लोगों ने अभी कुछ नहीं किया, बस अभी जस्ट उठे हैं, नहा के धो के फ्रेश हुए हैं। और हम लोगों ने कारगिल में कपड़े भी धोए, क्योंकि अभी तक जो हम कपड़े पहन कर आए, जो हमने पहन कर आए थे वो बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। तो हम लोगों ने कपड़े पड़े, सोनू और मैंने मिलके कपड़े धोए, उसने कुछ धोए, मोनू ने अपने मोनू के धोए और मैंने अपने धोए कपड़े। तो कपड़े धो के डाल दिए, ये रहे कपड़े टंग रहे, ये मेरी टी शर्ट, ये मेरी जैकेट मैंने इसलिए ऐसे क्लिप लगा के, ऐसे क्लिप लगा के टांगी ताकि इसके ऊपर धूप पूरे में पड़े, क्योंकि थोड़ी सी मोटी है तो ये सूख जाएगी, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया इसको, चारों तरफ क्लिप लगा दी। यहाँ पे सोनू मोनू के कपड़े टंग रहे, तो कुछ ऐसा सीन है। कारगिल में कपड़े धोए हम लोगों ने, ये एक्सपीरियंस हमेशा हमें याद रहेगा। वैसे ज़रूरत नहीं थी, हमें ऐसा नहीं है कि कपड़े नहीं है, कपड़े तो हमारे पास हैं, आप अभी जो मैंने धो दिए, ठीक है, अगर ये सूखेंगे नहीं सूखेंगे कोई दिक्कत नहीं, कपड़े तो है आगे चेंज करके कैरी करने के लिए। ये टी शर्ट मैंने डाल दी और ये पैंट, अभी इसके ऊपर एक जैकेट और आ जाएगी, तो कपड़े तो है, बट फिर भी हम लोगों ने धो के डाल दी क्योंकि टाइम है। फिर अभी जा रहे हैं नीचे, थोड़ा मार्केट में जाएंगे, मार्केट में ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, तो ब्रेकफास्ट करके चाय चाय पी के फिर स्टेटस लेंगे क्या बाइक का स्टेटस है, फटाफट से ठीक करा के उसको कारगिल से हम लोग निकलेंगे। अभी तो जो अभी तक का प्लान हमारा है वो ले का है, तो मैं भी देखते हैं ले से कहाँ आगे जाएंगे, बट अभी तक का तो ले का है, तो पहले ले चलते हैं, ले से फिर आगे डिसाइड करेंगे कि आगे कितना जाना है, कितने बजे तक पहुँचेंगे, क्या टाइमिंग रहेगी, तो उस हिसाब से हम लोगों ने डिसाइड किया है। तो हमारा जो होटल है, ये वाला होटल है जोजिला रेजिडेंसी, ठीक है होटल, बट सर्विस थोड़ी सी ढीली है, कहीं कहीं सही है कहीं कहीं ढीली है, तो ठीक है, आप क्या कह सकते हैं। बाकी वाला, बाकी हमारे होटल से पीछे का व्यू कुछ आप देख सकते हैं, वैसे ये नदी बह रही है और ये ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाई चढ़ रही है, गाड़ी है इसी में भी शायद, मैं आई एम नॉट श्योर, मैं आगे देखूँगा, मे भी शायद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ के फिर इसी रूट से, इस सारे रूट से ही आगे बढ़े, ऊपर चढ़े। तो हमारे पीछे रिवर बह रही है, ऊपर पूरा व्यू है, रोड पूरी मार्केट वगैरह सब कुछ है। ये हमारे जो है विंडो से, हमारे रूम से भी ऐसे ही दिखता है, और जो ये टेरेस है, टेरेस से भी, मैं अभी टेरेस पे खड़ा हूँ तो टेरेस से भी ऐसा ही नज़ारा है, ठीक है, नज़ारा अच्छा है। वो देखो पीछे, यहाँ नीचे बैठने का सिटिंग एरिया भी है, शाम को अगर बैठना चाहो तो यहाँ पे बैठ सकते हो, या सुबह बैठना चाहो सुबह बैठ सकते हो, सिटिंग एरिया भी है, मतलब काफ़ी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। और रही बात रूम की, तो हम लोगों ने एक ही रूम लिया था शेयर, वैसे तो एक रूम का ही लोग 1500 बता रहे थे, तो हम लोगों ने एक ही रूम लिया, एक ही में हम चारों एडजस्ट हो गए, नीचे दो गद्दे बिछवा दिए, ऊपर तो हम लोग लेट गए। तो एक रूम का हमको पड़ा 2000 रुपये, एक ही रूम में दो गद्दे नीचे और डबल बेड, तो 2000 रुपये हमको लोग को पड़ा, तो ठीक था ओवरऑल। पूरा भी पैकिंग वगैरह भी नहीं हुई, पैकिंग वगैरह भी सब कुछ जो है हमें देखना है, मतलब अभी करना है पैकिंग, पूरा सामान फैला हुआ है, थोड़ी बहुत ही पैकिंग हुई है जो हुई है, अदरवाइज पूरा सामान फैला हुआ है। मैं दिखाता हूँ, ये होटल वाला रूम, इधर से लिफ्ट है, थर्ड फ्लोर तक है होटल। इस वाले रूम में हमने कपड़े धोए क्योंकि हमारे रूम का जो ड्रायर और वो सब चल नहीं रहा था। ये हमारा रूम का नंबर 307, ये देखो अभी सारे का सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई भी पैकिंग नहीं हुई है। इस बारे में लैपटॉप चार्ज पे लगा रखा है मैंने, बैटरीज वगैरह सब चार्ज हो गई, पैकिंग कर रहा है सोनू, मोनो नीचे गया है, ये देखो पूरा सामान अभी फैला ही हुआ है, जबकि 9:30 बज गए और फटाफट से निकलते हैं अभी यहाँ से, नीचे मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। टाटा बाय बाय रूम, फिर कभी मिलेंगे हैं। एक ही 308 की अभी वही है जहाँ पर हम लोग रुके हुए थे, तो उसी होटल में है। यहाँ पर मैंने अपनी बाइक वॉश कर दी पूरी, अभी काफ़ी अधिक चमक गई है, तो बाइक तो अभी चमक गई है, बट सोनू की बाइक का जो है अभी भी काम हो नहीं पा रहा है। 11:30 बजे हमने होटल चेकआउट कर दिया था, तब से मैं पार्किंग में ही बैठा हूँ, एक एक करके जा रहे हैं, देख कर आ रहे हैं क्या अपडेट है, सोनू मोनू वहीं पर ही हैं दोनों,
और 3.5 घंटे हो गए मुझे यहाँ पे पार्किंग में बैठे बैठे बैठे। तो यार फाइनली 4 घंटा पार्किंग में वेट करने के लिए अभी निकले हैं हम लोग अपने होटल से, जो कि था हम लोग अभी थे कारगिल में, अब लोग निकल रहे हैं लेह के लिए। तो आज पहला डेस्टिनेशन लेह होगा, उसके बाद डिसाइड करेंगे आगे कहाँ जाना है। ठीक है, लेह यहाँ से है 216 किलोमीटर। अभी रास्ते में और भी चीज़ें पड़ेगी, जो कि होगा तुम्हारा नामिकला पास, फोटुला पास, लामायुरू मोनेस्ट्री, देन मैग्नेटिक हिल। अभी लेट्स सी, अगर अंधेरा होने से पहले पहले वहाँ तक पहुँच गए तो आपको और मेरे को भी नज़ारे दिख जाएंगे यार। ऑलरेडी हम लोग बहुत ज़्यादा लेट चल रहे हैं यार। ठीक है, 3:30 बज गए, 3:30-4 बज गए यहीं पर ही, और अब निकल रहे हैं ऑलरेडी। यहाँ पे टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही दिखा रहा है 4-4.5 घंटे, बट बीच बीच में ब्रेक भी लेंगे, रुकेंगे भी। कुछ पासेस हैं जो हाईएस्ट पासेस हैं, सेकंड पासेस, थर्ड पास, वो सब भी रुकेंगे, फोटोज वगैरह खिंचाएंगे, तो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। अभी जो है हमें बाइक बहुत ज़्यादा खींचनी होगी, तब जाके अंधेरा होने से पहले पहले हम लोग ले पहुँचेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। बाइक पे वैसे भी वेट कम देना है, तो उसका एक बैग मैंने अपने और खाली करा के अपने एक बड़े वाले बैग में डाल लिया था जो अक्षय भाई के बाइक पे, और एक बैग उसका ले लिया मैंने जो कि मेरे और पीछे मेरी वाली बाइक पे, मेरी बाइक पे बंधा हुआ है। तो मेरी पीछे अभी बाइक पे 2 बाइक बंधे हुए हैं, उसका जो बाइक है वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हो उतना अच्छा है। जब से सोनमर्ग से निकले तब से एक बार भी पेट्रोल नहीं भरा है। धीरे धीरे क्या रेट है अब, 104.78 रुपये। चलो अभी तक का सबसे महंगा यही भी है, आगे देखते हैं क्या रेट होता है। यार सही बताऊँ तो मूड की तो लग तो गई थी, मूड ख़राब तो बहुत हो गया था, बट जैसे ही मैं बाइक पे बैठा, अपनी रेड बुल पे बैठा और ये खूबसूरत नज़ारे देखे, ये खूबसूरत नज़ारे, ये पहाड़, जैसी माउंटेंस और राइडिंग, माउंटेंस पे राइडिंग शुरू हुई ना, वैसे यार मूड ठीक हो गया। सही बताऊँ तो एक राइडर को और क्या चाहिए, मतलब इतनी खूबसूरत जगह है, मैं अपनी ड्रीम राइड पे हूँ, अपनी बाइक पे हूँ, अपनी रेड बुल पे, और सामने इतनी 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 खूबसूरत वादियाँ हैं, सीरियसली यार। तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली मूड ठीक हो गया, तो ठीक है यार, मूड ठीक ही रखना है वैसे भी, ख़राब हो रहे क्या करना है, मतलब मैं भी नहीं चाहता मूड ख़राब हो, बट हो जाता है यार, दिक्कतें आती हैं तो थोड़ा सा मूड अपसेट हो जाता है, बट ठीक है यार, यही तो पार्ट है राइड का, यही सब पार्ट है, कभी खुशी कभी गम। तो हम पहुंच गए हैं मूलबाग, तो यहाँ 5 मिनट के लिए यहाँ पर रुकते हैं। द फ्यूचर ऑफ बुद्धा, देखो ये जो ऊपर जो ये मूर्ति है ना, ये जो बनाई हुई है पूरे पहाड़ को तराश के, ये देखो ये भगवान की ये बनाया हुआ है, ये चीज़ बनाई हुई है, और ये छोटी सी एक मोनेस्ट्री है यहाँ पर। मोनेस्ट्री में चप्पल खोल के जाते हैं। हाँ मोनेस्ट्री मतलब यहाँ के लोग का मंदिर। हाँ वो तो पता है। हाँ तो चप्पल वप्पल खोल के जाएंगे। जाओगे क्या अंदर? नहीं अंदर नहीं आना, ऐसे चलेंगे, अभी तो बहुत आगे जगह है। सो गाइस ये है छोटी सी एक मोनेस्ट्री, और इसके ऊपर अगर आपको दिख रहा होगा उधर, वो एक सेकंड में उधर से दिखाता हूँ, वो दिख रहा है, वो पहाड़ को तराश के वो बनाया गया। ये है शांति स्तूप मैत्रेया। चलो अब यहाँ से आगे चलते हैं। तो जस्ट अभी हमने मूलबाग जो है देखा है, वहाँ की मोनेस्ट्री देखी है, अभी उससे 2 किलोमीटर आगे चलते हैं। ये एक पेट्रोल पंप है, तो यहाँ पे अक्षय भाई जो है पेट्रोल भरवा रहे हैं अपना। आगे है नामिकला पास है यहाँ से 21 किलोमीटर आगे, मूलबाग से 21 किलोमीटर आगे नामिकला पास। कहते ये भी पत्थर के ही हैं, बट देखो इनके 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 इनकी लुक देख, और रोड तो एक नंबर रोड है। चढ़ाई भी काफ़ी खड़ी होती जा रही है धीरे धीरे, हम धीरे धीरे और टॉप पे जाते जा रहे हैं, काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। और देखो नामिकला पास जो है वो काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे है, काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे, उसके बाद आएगा फोटुला पास, फिर लामायुरू मोनेस्ट्री,
तो अभी हम धीरे धीरे चढ़ाइयों पर चढ़ते जा रहे और धीरे धीरे ठंड भी बढ़ती रहेगी। ठंड जो है धीरे धीरे बढ़ रही है, हवा लग रही है धीरे धीरे। नामिकला पास अभी बस 10 किलोमीटर और दूर है, फिर हम होंगे नामिकला पास पे। बहुत सुंदर है, अभी तो और सुंदर आना बाकी है। गाइज अगर मेरे को इंस्टा पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ डू फॉलो मी और माई इंस्टाग्राम, एंड अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा, कम ऑन गाइज, एंड वीडियो को लाइक तो करना ही बनता है यार। तो हम पहुंच गए, यू आर एट नामिकला एल्टीट्यूड 12,198 फीट। तो हम पहुंच गए हैं नामिकला एल्टीट्यूड 12,198 फीट, ये है। तो हम पहुंच गए हैं नामिकला, जो कि है सेकंड हाईएस्ट पास ऑन ले श्रीनगर ले हाईवे। तो यह सेकंड हाईएस्ट पास, फर्स्ट हाईएस्ट पास था जोजिला पास, ये है सेकंड हाईएस्ट पास ऑफ श्रीनगर ले हाईवे। ये अपनी रेड बुल अक्षय भाई, वी आर एट नामिकला ब्रो। चलो यहाँ से चलते हैं फटाफट से, अभी और भी जगह कवर करनी है। लेट्स गो, अपनी रेड बुल एकदम मक्खन परफॉर्म कर रही है। फातुला 13 किलोमीटर, लमारियूरू 30 किलोमीटर। तो हम लोगों को जाना है फातुला के लिए, हम लोगों को अपना रास्ता ये वाला हमारा रास्ता है फातुला के लिए, फातुला पास के लिए। एक यहाँ पे मैं बोर्ड देख रहा हूँ, जबायूल द इनविजिबल विलेज। तो इसका जो द इनविजिबल विलेज वे टू हेरिटेज म्यूजियम, इसका रास्ता जो यहाँ से जाता है पूरा ही ऑफ रोड है आगे तक, बट इस टाइम पे हम नहीं जाएंगे द इनविजिबल विलेज। मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो आपको इनविजिबल विलेज जो है अदृश्य गांव वो ज़रूर दिखाऊंगा इस वाले रोड पे जाकर, बट इस टाइम जो है अपने को थोड़ी सी टाइम की प्रॉब्लम है और टाइम भी ज़्यादा हो गया है, इसलिए हम लोगों को चलना चाहिए आगे। ये वाले रोड पे जाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और हमारी टीम मतलब सोनू मोनू ऑलरेडी आगे हैं, हमें आगे लेह में रुकना है आज। तो अभी बैक टू अपने नॉर्मल रूट। तो हम पहुंच गए फातुला पास, ये देखो सोनू मोनू भी यही है, देखा मैंने कहा था ना वो लोग फोटो खिंचाते हुए जाएंगे भाई। फातुला टॉप, भाई मज़ेदार। अरे यार आ रहा है। हाँ भाई बहुत ठंडी है भाई, बहुत ठंडी है। फातुला टॉप एटीट्यूड 13,489 पड़ते, क्या पड़ते 79 हाईएस्ट पॉइंट दी श्रीनगर ले रोड। सही है, सब दिख रहा है। बहुत ठंडी है यार यहाँ पे, तो बहुत ठंडी है, हाथ जम रहे मेरे भाई, हाथ जम रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठंडी लग रही है यहाँ तक पहुँचने पहुँचे, इतनी खड़ी चढ़ाई है, बैंड बज गई यार। एक सेकंड, तो यार ये रही अपनी बाइक से, ठीक है बोल दी बाइक से, बोल दी और क्या, एक और पीछे आ रही, ठीक है अपने अक्षय भाई भी अभी पीछे आ रहे हैं, हाथ जम रहे हैं यार बहुत ज़्यादा, निकलना पड़ेगा। तो ये है फातुला टॉप, जो कि है थर्ड हाईएस्ट पास ऑन श्रीनगर ले रोड। फर्स्ट था जोजिला पास, देन नामिकला पास, देन फातुला पास। ओएमजी, अब फटाफट फोटो वोटो खिंचाते हैं और निकलते हैं, अपने अक्षय भाई भी आ गए, आ जाओ भाई आ जाओ भाई। बहुत ठंड है यहाँ पर और सांसें फूल रही है। ये रही अपनी बाइक है, एक आधी फ़ोटो खिंचानी थी वो खिंचा ली। ये रहा फातुला टॉप और हाथ जम रहे बहुत ज़्यादा, अब यहाँ से निकल रहे हैं फटाफट। अक्षय भाई तो ठंड में पानी पी रहे, पता नहीं कैसे पी ले रहे भाई, पानी पी ले सांस नहीं, पानी तो पीनी है, पानी में पीऊँगा यार, पानी पीना ज़रूरी है।
तो अब यहाँ से फटाफट से निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंड है। टाइम टू गो यार। और चढ़ाई भी इसकी बहुत खतरनाक थी, मतलब नामी क्लास से भी और बहुत ज़्यादा ऊपर है ये। चलो अभी निकलते हैं यहाँ से। ये देख लिया आपने फातुला टॉप, चलो फातुला। मैंने यार मंकी कैप जो ली थी वो मंकी कैप पहन ली, हम सभी ने पहन ली, क्योंकि बहुत ठंड है और सच में हवा भी बहुत तेज है और ठंडी बहुत ज़्यादा है। हाथ पूरे जम रहे हैं, अगर हाथ ऐसे ना करो ना पूरा हाथ जम रहा है एकदम, इतनी ठंड है। अभी देखते हैं, अभी तक तो हो रहा था कि ले जाएंगे बट इतनी ठंड है। और आगे अभी जो एक बंदा मिला है हमें, वो बता रहा है कि आगे माइनस में टेम्परेचर जा रहा है। तो यार एक बहुत ज़्यादा गलत सीन हो गया, अपनी जो है क्लच वायर हो गई टूट। साला जब फोतुला टॉप से उतरा, उतरने के 1 किलोमीटर के बाद से क्लच वायर टूट गई। वो तो ढलान थी, तो मैं धीरे 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 करके ले के आ रहा था। तो मैं धीरे धीरे करके लेके आ रहा था यार, बाकी जैसे ये जो ये एकदम स्टिप डाउन का साइड आ गया और अपन यहाँ गिर पड़े। वो तो थैंक्स टू ये यार, ये साला फ्रेम स्लाइडर, ये देखो घिस गया पूरा, बट इसने बचा लिया इस चीज़ को और मुझे बचा लिया इसने, नहीं तो अभी बहुत बुरी तरह लगती। मैंने रोक ली थी बस, देखो वहाँ पर मैंने रोक ली थी, रुक गई थी बाइक, लेकिन इतनी ढलान इतनी है ना, पैर पूरा नीचे आया नहीं और वो सारा गिर गए। रुक गई थी बाइक, रुके रुके में गिरी है, चलो रुके रुके में गिरी है, बचा लिया यार इसने फ्रेम स्लाइडर ने, नहीं तो मेरा इंडिकेटर भी गया था और मेरी ये जो है ना फेयरिंग ये भी गई थी। फेयरिंग में बहुत तगड़ा खर्चा आता भाई, बहुत खर्चा आता यार। अभी यार अपनी क्लच वायर एकदम फ्री हो गई है और टूटी भी तो नीचे से टूटी है साला, किस्मत इतनी ख़राब, ऊपर से टूटी होती तो मैं कुछ कर भी लेता जुगाड़, अभी नीचे से टूटी है। तो अभी ये डिसाइड किया है, अभी लामायुरु जो मोनेस्ट्री उसमें है, लामायुरु जो है ये, अभी यहाँ से खलसी है 18 किलोमीटर, सोनू मोनू वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो खलसी 18 किलोमीटर है और अभी क्या खलसी तक भैया बता रहे हैं यहाँ पर जो रहते हैं, खलसी तक जो है पूरा डाउन का एरिया ही है, तो हम लोग जो है न्यूट्रल में करके धीरे 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 जा सकते हैं। यहाँ पर मैंने पता किया, यहाँ पर जो है रिपेयरिंग की दुकान नहीं है, ऊपर है ऊपर जहाँ से हम लोग आए हैं, बट वापस से ऊपर मैं जा नहीं सकता क्योंकि ये चढ़ाई पर चढ़ेगी नहीं, अभी उतरने को तो फिर भी उतर जाए। यार एकदम से कटक बोल गई यार, एकदम से कटक बोल गई। वो तो मैं फोतुला टॉप से मैं उतरा ही था, 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ होगा। अभी 2 दिन से सोनू मोनू की बाइक को लेकर परेशान थे, आज मेरी बाइक का नंबर आ गया। इतनी बड़ी गलती करी, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करी कि मैं इसकी क्लच वायर भी नहीं लाया हूँ, ना ही मैं इसकी एक्सीलेटर वायर लाया हूँ, दोनों में से कोई भी वायर नहीं लाया मैं इसकी। खैर मैंने ही सोचा था कि यार अभी तो इसकी सर्विस कराई है, ज़्यादा चली भी नहीं, उसके बाद ऑल सेट सब कुछ तो है ही, हैं क्लच और एक्सीलेटर वायर ठीक तो है ही, सर्विस तो कराई थी, उसके बाद 1500 किलोमीटर चली है सर्विस के बाद, लास्ट सर्विस के बाद, तो मैं कह जगह चल जाएगी। चलो हुआ भी तो कितनी गलत जगह पर, कितनी टॉप पर, गलत जगह पर, गलत टाइम, गलत एरिया भाई बड़ी। एक तो शाम हो गई है, रात होने को है, अंधेरा हो गया है, ठंड बढ़ती जा रही है। वो तो चलो डाउन हिल एरिया है तो अपन न्यूट्रल करके खींच रही है। अभी तो चलो मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मेरे को गियर ने बचा लिया, नहीं तो घुटने के तो लग जाते भाई, घुटने में बहुत तेज लगती, पूरे पक्के रोड पे गिरा था। अच्छा भाई पैर लगाना पड़ेगा, ये फ्लैट रोड आ गया ना, तुम बैठो मैं ट्राई करता हूँ। गियर में नहीं डल रही, गियर में एक बार ट्राई करो, लेकिन अगर गियर में डलेगी तो फिर हाँ पता, क्योंकि क्लच तो चल नहीं रही है। हाँ एक्चुअली इसकी क्लच वायर टूट गई है। हाँ जी हाँ जी,
अभी बताया आगे खलसी में, बताया खलसी में कोई है, आगे पूछा था तो कह रहे खलसी में हो जाएगा। अच्छा अभी कैसे चला रहे हो गाड़ी? अभी तो फिलहाल धक्का ही लग रहा है। इसमें तो वैसे जैसे स्कूटी की नॉर्मल वायर वगैरह आती है ना, हाँ। वो भी लग जाती है, बट वही है अब कह रही नहीं क्या साथ में तो ये सेकंड या थर्ड गियर में डाल दो। ओके या फोर्थ गियर में डाल दो, फोर्थ गियर तक थोड़ा पुश कर देना मतलब की स्पीड पे। ओके आराम से चला लेगा फोर्थ गियर में, ठीक है ना? हाँ कोई इशू नहीं है, समझे ना? गाड़ी भी फोर्थ गियर में डाल दो ऐसे डाल दो, नहीं पर वो भी नहीं कर सकते ना, वो चलने के बाद चलते चलते। चलो वही 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 हाँ पुश करेगा, हाँ फर्स्ट गियर डाल देना। हाँ आता है वैसे बिना क्लच के गियर डालना? नहीं कभी डाल तो नहीं। स्टार्ट हो जाएगी? हाँ स्टार्ट तो हो जाएगी। हाँ मतलब तरीका बता दो कैसे डालते हैं, मतलब जहाँ तक मेरे को लगता है कि एक्सीलेटर को पूरा एकदम नीचे करके एक बार हल्का सा ब्लिप करते हैं। हाँ और गियर ऊपर करते हैं ऐसे करके चलाते हैं। ये ट्राई करो, ये ट्राई करो, ये ट्राई करो। हाँ ठीक है सर, एक बार स्टार्ट करना थोड़ी स्पीड आने के बाद फिर गियर डालना। अच्छा ठीक है, 5-7 की स्पीड पे तब गियर डालना। लेकिन अभी न्यूट्रल होगी? हाँ होगी होगी होगी, हाँ हो गई। ठीक है नहीं रुकना है ना? हाँ पैर निकाल लेना, नहीं है न्यूट्रल कर लेना। ठीक है ठीक है, गिर जाएगी एकदम से, बंद हो जाएगी। हाँ ब्रेक लगाएगा तो, हाँ 10 सेकंड में चलने दे फिर। हाँ ठीक है चल आगे। थैंक्स टू दोस गाइस, उन्होंने थोड़ा आइडिया दिया तो बाइक तो सेकंड गियर में डल गई, चल रही है अब सेकंड गियर में खींचते खलसी तक। ओके सर थैंक यू, थैंक यू सर। ये भाई भी डीएल से दिल्ली से ही आ रहे हैं, ये भी दिल्ली ऐसी दिल वालों की थोड़ी ना है, दिल्ली वाले को नहीं समझेंगे तो किसको समझेंगे। खैर वाली बात भी नहीं है, बात है बाइकर बाइकर की यार, बाइकर ब्रदरहुड ऐसी नहीं होता, हर बाइकर एक दूसरे के बाइकर की परेशानी को समझता है। अब इनको क्या पड़ी थी बताइए, तो चुपचाप से सीधा निकल जाते, इनको क्या पड़ रही, इनकी तो बाइक सही से चल ही रही है, लेकिन बंदे रुके परेशानी पूछी, हमने बताया फिर उन्होंने आइडिया दिया ऐसे ट्राई करो, ऐसे ट्राई करा, गियर में डल गई ना, अब चला रहे हैं धीरे धीरे एटलीस्ट, नहीं तो अगर ये दोनों नहीं होते आइडिया नहीं देते तो हम लोग तो ऐसे खींचने वाले थे जहाँ तक मुझे लगता है, या ज़्यादा होता तो आगे जाके कुछ और दिमाग लगाते, बट चलो यार सही टाइम पे हो गया। अभी इस बोर्ड में लिखा तो होगा कि खलसी कितनी दूर है, देखता हूँ क्या है यार, खलसी 6 किलोमीटर दिखा रहा है अभी। चलो कोई नहीं पहुँच जाएंगे, अब तो गियर में लग गई है, बस थोड़ा संभाल के चलानी है, बाकी पहुँच जाएंगे, 6 किलोमीटर ही तो है। यार होटल हमें मिल गया है, ये वाला कुछ एक होटल है यहाँ पर द टूर्निम करके, खलसी में ही है, खलसी में हम लोग हैं। यहाँ पर ये मेरी बाइक खड़ी है, यहाँ पे हम दोनों की भी खड़ी है, सोनू मोनू और अक्षय भाई की। कोई नहीं अभी तो बहुत रात हो गई है, यहाँ की पूरी जो मार्केट है वो सारी बंद हो चुकी है, खाना भी हमने खा लिया, इस वाली रोड से हम लोग आए थे, तो अब जो है कल सुबह देखना होगा क्या सीन है, कल सुबह में वायर ढूंढनी पड़ेगी एक्सीलेटर क्लच वायर। कैसे तैसे हम लोग यहाँ खलसी में पहुँचे, अभी खलसी में रूम ले रखा है, आज ही स्टे करेंगे, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आज का इतना ना क्या बोलूं, थकाने वाला हो, इतना एक्सट्रीम लेवल का आज का दिन रहा ना, थकाने वाला हो क्या बोलूं। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बहुत थक गए इसलिए चेहरा सा हो गया काला काला, और यहाँ लाइट भी एक ही है। बाकी कल सुबह मिलेंगे अब नेक्स्ट ब्लॉग में, कुछ पार्क दिखाते हैं।